वेलकम टू माई किचन। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ कैरामिल पॉपकॉर्न। उसके लिए मैंने भुट्टे के दाने लिए हैं, आधा बाउल के करीब, एक चम्मच रिफाइंड ऑयल लिया है, एक बाउल भर कर चीनी ली है, थोड़ा सा सोडा लेंगे खाने वाला, एक चम्मच बटर लिया है। हमने एक कढ़ाई ले ली है और उसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे सबसे पहले। इसके बाद ऑयल गर्म होने लगा है, अब हम इसको कवर कर देंगे और 2-3 मिनट में पॉपकॉर्न तैयार हो जाएंगे। हमारी पॉपकॉर्न बननी शुरू हो गई है। जब ये बन जाएंगी तब हम इसके बाद कैरामिल तैयार करेंगे। हमारी पॉपकॉर्न बनकर तैयार है, इसमें से स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही है। अब हम इनको एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। कढ़ाई ले ली है, आप उसमें चीनी ऐड कर देंगे और गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो रखेंगे और इसको लगातार चलाते रहेंगे जब तक हमारी चीनी मेल्ट नहीं होगी। हमारी चीनी मेल्ट होनी शुरू हो गई है, इसमें टाइम लगता है। हमारी कैरामिल बनना शुरू हो गई है, अब हम इसको लगातार ही चलाते रहेंगे। हमारी कैरामिल बन चुकी है, अब हम इसमें मक्खन ऐड करेंगे और जल्दी से चलाएंगे। थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे 2 पिंच के करीब, 1 पिंच खाने वाला सोडा ऐड करेंगे। इससे हमारी कैरामिल अच्छी बनेगी। हम इसमें अपनी जो पॉपकॉर्न बनाई थी वो ऐड कर देंगे और अच्छे से कैरामिल में कोट करेंगे। इसको हमें जल्दी जल्दी कोट करना है वरना कैरामिल सब ठंडा हो जाएगा। हमारी पॉपकॉर्न कैरामिल में अच्छे से कोट हो चुकी है, हमने गैस भी ऑफ कर दी थी। अब हम इसको बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। हमने कैरामिल पॉपकॉर्न को बाउल में ट्रांसफर कर लिया है, ये सर्व करने के लिए रेडी है। ये बिल्कुल मार्केट जैसी बनी है, इसे एक बार जरूर ट्राई करें। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।